भगवान ने मनुष्य जन्म के समय से ही इस शरीर के साथ एक ऐसा आश्चर्यजनक अपूर्व उपाय रच दिया है जिसे जान लेने पर किसी भी सांसारिक विषय में असफलता का दुख नहीं हो सकता। अब क्योंकि अधिकांश लोग इस उपाय को नहीं जानते और ना उससे लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं, इसी कारण अनेक कार्यों में उनको सफलता प्राप्त नहीं होती या कहें उनके काम ही नहीं बनते। इस विषय के बारे में जिस शास्त्र में बताया गया है उसे सर्वोदय शास्त्र कहते हैं। सर्वोदय शास्त्र प्रत्यक्ष फल देने वाला है। इसका आश्चर्यजनक फल देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। जीव के जन्म से मृत्यु के अंतिम क्षण तक निरंतर श्वास प्रश्वास की क्रिया होती रहती है और यह सांस नासिका के दोनों छिद्रों से एक ही समय एक साथ समान रूप से नहीं चला करता, कभी बाईं ओर से तो कभी दाएं नासिका से चलता है और कभी कभी दोनों छिद्रों से समान भाव से प्रवाहित होता है। बाईं ओर की नासिका छिद्र से सांस को एड़ा में चलना और दाहिनी ओर से सांस के चलने को पिंगला में चलना कहते हैं। वहीं दोनों नासिका छिद्रों से समान भाव से चलने पर उसे सुषुम्ना में चलना कहते हैं। एक नासिका छिद्र को दबाकर दूसरे के द्वारा सांस को बाहर निकालने से साफ महसूस हो जाता है कि एक नासिका से सरलता पूर्वक श्वास प्रवाह चल रहा है और दूसरी नासिका छिद्र बंद है, अर्थात उससे अन्य नासिका के समान सरलता से सांस बाहर नहीं निकल रहा। जिस नासिका से सरलता पूर्वक श्वास बाहर निकलता हो उस समय उसी नासिका का चलना बोला जाता है। क्रमशः अभ्यास होने पर बहुत आसानी से मालूम हो जाता है कि किस नासिका से श्वास प्रवाहित हो रहा है। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य स्वाभाविक दशा में हो और रहन सहन प्रकृति के अनुकूल हो तो प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय एक एक घंटे के हिसाब से एक एक नासिका से क्रम के अनुसार सांस चलता है। इस प्रकार रात दिन में 12 बार बाईं और 12 बार दाईं नासिका से सांस चलता है। इस सांस प्रश्वास का क्या प्रभाव होता है इस बारे में सर्वोदय शास्त्र में कहा गया है। वही तावद घटी मध्य पंच तत्वानी निर्देशित प्रतिदिन 60 घड़ियों में 2.5 घटी के हिसाब से स्वर परिवर्तन होने से क्रमशः पंच तत्वों का उदय होता है। इस सांस प्रश्वास की गति को समझकर कार्य करने पर शरीर स्वस्थ रहता है और मनुष्य दीर्घजीवी होता है। वहीं साथ में इसके फल स्वरूप समस्त सांसारिक कार्यों में सफलता मिलने के कारण सुखपूर्वक संसार रूपी यात्रा पूरी होती है। जिस समय एड़ा नाड़ी अर्थात बाईं नासिका से सांस चलता है उस समय स्थिर कार्यों को करना चाहिए, जैसे आभूषण धारण करना, दूर की यात्रा करना, मकान में प्रवेश करना, मकान बनाना, मकान की नींव रखना, द्रव्य आदि का ग्रहण करना, तालाब कुआं जलाशय आदि का निर्माण करना। बाईं नासिका से सांस चलने के समय शुभ कार्य करने पर इन सभी कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसे ही जिस समय पिंगला नाड़ी अर्थात दाहिनी नाक से सांस चलता हो उस समय कठिन कर्म करने चाहिए, जैसे कठिन विद्या का अध्ययन करना, गणित हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, अध्यापन हो गया, तंत्र साधना करना, दुश्मन को दंड देना, शास्त्र का अभ्यास करना, पशु बेचना, ईंट पत्थर काठ रत्न आदि को घिसना या छीलना, संगीत का अभ्यास करना, यंत्र तंत्र बनाना, हाथी घोड़ा रथ आदि की सवारी सीखना, व्यायाम लिपि लेखन दान करना। साधक को दोनों नाकों से सांस चलने के समय किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय कोई भी काम करने से यह निष्फल ही होगा। हाँ, उस समय योग अभ्यास और ध्यान धारण आदि द्वारा केवल और केवल
भगवान का ध्यान करना उत्तम है। सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलने के समय किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस समय बोले गए शब्द सफल हो जाते हैं। इस प्रकार उचित स्वर में कार्य करने से मनुष्य अनेक प्रकार के लाभ उठा सकता है। इसका सबसे बड़ा उपयोग रोगों की उत्पत्ति का पहले से ही ज्ञान हो जाना और उसका सरलता से निवारण कर सकना है। उदाहरण के लिए, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यदि सुबह नींद टूटने पर सूर्योदय के समय दाहिनी नाक यानी सूर्य स्वर से सांस चलना आरंभ हो, तो उस दिन से पूर्णिमा तक के बीच में गर्मी के कारण शरीर को पीड़ा होगी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय पहले यदि बाई नाक यानी चंद्र स्वर से सांस चलना आरंभ हो, तो उस दिन से अमावस्या तक के अंदर कफ या सर्दी के कारण कोई भी पीड़ा होगी। और यदि दो पखवारों तक इसी प्रकार विपरीत ढंग से सूर्योदय के समय विपरीत स्वर चलता रहे, तो किसी नजदीकी इंसान को भारी बीमारी होगी अथवा मृत्यु भी हो सकती है, और या किसी प्रकार की विपत्ति आएगी। तीन पखवारों से अधिक लगातार ऐसी गड़बड़ी होने पर निश्चित ही अपनी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पखवारे का मतलब है सप्ताह के दिन। एक पखवारे में 15 दिन होते हैं, ऐसे ही दो पखवारे हुए 30 दिन और तीन में हुए 45 दिन। अनियमित क्रिया के कारण जिस प्रकार हमारे शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह औषध बिना ही भीतरी क्रियाओं द्वारा निरोग होने का उपाय भी भगवान ने दिया है, और ये उपाय आपके स्वयं के अंदर विद्यमान हैं। जी हाँ, आपको इन स्वरों द्वारा उपायों को काम में लाने से ना तो बहुत दिन तक रोग की यंत्रणा सहन करनी पड़ती है और ना ही धन खर्च होता है, और साथ में ना ही दवाइयों से अपना पेट भरना पड़ता है। इस प्रकार योग विद्या के इस कौशल से एक बार जो रोग चला जाता है, वो दोबारा उसके संक्रमण की, उसके आक्रमण की संभावना नहीं रहती। बुखार का आक्रमण होने पर जिस नासिका से श्वास चलता हो, उसे बंद करके दूसरी नासिका से सांस लेना चाहिए, जब तक कि बुखार ना उतरे और शरीर स्वस्थ ना हो जाए। तब तक लगातार दूसरे ही नासिका छिद्र से सांस लेते रहना चाहिए। ये करने के लिए आप रुई की एक छोटी सी बॉल बनाकर उसको नाक में डालकर रख सकते हैं। ऐसा करने से 10-15 दिन में उतरने वाला बुखार 5-7 दिन में ही उतर जाएगा और कष्ट भी कम होगा। बुखार के समय में मन ही मन चांदी के समान श्वेत वर्ण का ध्यान करने से और भी अधिक शीघ्र लाभ होता है। इसी प्रकार और भी कई तरह के बुखार, सिरदर्द, दांत के रोग, दमा, नेत्र रोग इस साधारण सी विधि से ठीक हो जाते हैं। स्वर विज्ञान का प्रयोग इसी प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकता है। यात्रा को सफल बनाना, गर्भधारण द्वारा सौभाग्यशाली संतान प्राप्त करना, शत्रु का वशीकरण, यौवन प्राप्त करना, अनेक कार्यों में इससे सहायता मिल सकती है। स्वर विज्ञान की जानकारी कठिन नहीं है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए इच्छा अनुसार स्वर को कम या ज्यादा समय तक चलाने का अभ्यास इसमें करना पड़ता है। स्वर विज्ञान को और अच्छे से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। स्वर विज्ञान के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस चैनल पर डाली हुई हैं, आप उन्हें अवश्य देखें और अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने के लिए तैयार हो जाएं। साधकों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वोसनातन11। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।